My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और yes. उठाए लेके बराबर yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा. तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे? क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे, तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे. मैं करूंगा, पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लेने, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157. उन्होंने कहा, यहूदों ने, लकद कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु यूसुफ बिन मरियम, वो कहते हैं यहूद के, हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे. और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया ना सूली पे चढ़ा, वलाकिन शुब्बी हालम, ये सिर्फ उनका वहम है. अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है. तो कुरान की साफ आयत है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे. सलबुहु एक होता है क्रूसीफिक्शन और एक क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसीफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना. एक होता है क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी. ये कुरान में लिखा है, कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो. आप जानते साइन ऑफ जोना? आई डू. माशाल्लाह जानते. साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग समझेंगे इन्हें. तो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं, और आता है स्टॉर्म, और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है. ये बाइबल में लिखा है कि नहीं, साइन ऑफ जोना है ना? गो ऑन, आई एम लिसनिंग. जानते हैं कि नहीं साइन ऑफ जोना? आई नो. साइन ऑफ जोना डेढ़ पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना. अब बाइबल में पढ़ेंगे डेढ़ पेज की किताब है. तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है, वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है, तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए, तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म, स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान. माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर. तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस अल्लाह के पैगंबर बोलते मेरी गलती है, तो जब वो कहते मेरी गलती है
और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते, सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। एज जोना वॉज 3 days and 3 nights इन द बेली ऑफ द फिश, सो शैल द सन ऑफ मैन बी 3 days and 3 nights इन द बेली ऑफ द अर्थ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे, माशाल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है, 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे, अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है, मछली आके निगलती आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा, 3 दिन और 3 रात मछली समुंदर के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा क्या मौजूदा पे मौजूदा, 3 दिन के बाद 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे, जिंदा थे। मौजदा का मौजदा का मौजदा का मौजदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपलकर, सिपलकर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था, आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपलकर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे, बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वह 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहां तक के? आपने यही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब यह है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके मैंने कंप्लीट किधर किया? आपने जवाब ही नहीं दिए।
मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहि सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? He was dead. अने यूनुस अलैहि सलाम जोना के जैसे नहीं थे? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहि सलाम मुर्दा थे, ईसा अलैहि सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा, बोले करेक्ट करने दो, कंप्लीट कर ले। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो, बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा था। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा। तो गलती मैं पॉइंट फ्रॉम एग्जांपल, तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप दे रहे का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई।